तो गाइज हम लोग आज बनाने वाले हैं एप्पी एप्पी बिस्किट का केक, चॉकलेट फ्लेवर केक। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एंड ये देखिए मेरा वीडियो। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल जुलेखा ब्यूटी वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ कोई भी मेहंदी डिज़ाइंस, ब्यूटी टिप्स नहीं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है और आज मेरा बर्थडे है तो मैं केक बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर मैंने देखी थी कि ऐसे केक बनाते हैं, तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ। तो आप देखिए और बनाइए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ पे मैं केक बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने चार एप्पी एप्पी बिस्किट ली हूँ, पांच वाली 20 रुपए की। और यहाँ पे मैं 4 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ, जो 6 चम्मच शक्कर था पिसा हुआ, मैंने पीस के बना दी थी, इसके अंदर डाल दी थी। और अब मैं उसको ग्राइंड कर लियो। ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर ये डाल दियो, और आपको इसके अंदर इनो डालना है 1 पैकेट। आप इनो डाल दीजिए, इनो डाल के मिला दीजिए। और मिलाने के बाद अब हम लोग आगे देखते हैं हमको क्या करना है। ओके, तो मैं इसके अंदर 1 कटोरा दूध लूँगी। दूध हल्का गर्म रहना चाहिए, और वो दूध डाल के हम लोग इतना इसका जो मिक्स है वो करेंगे। एंड मिक्स करने के बाद थोड़े देर तक हिलाते रहना है। तो गाइस देखिए जैसे मैं हिला रही हूँ, इसको मिक्स करना अच्छे तरीके से, जिसमें जो इनो है वो मिक्स हो जाए। ओके, तो ये मेरा जो बैटर है वो बन चुका है। अब मैं इसके अंदर, आप अपने हिसाब से क्रीम डाल दीजिए, जो भी क्रीम आपको फ्लेवर डालना है। और मेरे पास अभी जो चॉकलेट सिरप है वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते। ओके, तो ये मैं मिक्स करके रख दे रही हूँ। 5 मिनट तक के हमको इसको रखना है, जिसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और जो इसका जो जिसमें ये हमारा केक अच्छा सा स्पंची बने। तो यहाँ पे मैंने एक स्टील का बर्तन ली हूँ, इसके अंदर मेरे पास बटर पेपर नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक नोटबुक का मैं पेपर फाड़ के उसके ऊपर मैं तेल लगा रही हूँ, जिसमें मतलब चिपके ना नीचे सरफेस में। ओके, तो यहाँ पे मैंने उसका उसके हिसाब का कट करके मैं इसके अंदर लगा रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप ये ऐसे बना सकते हैं, ये इसके साइज़ का रहेगा और इसके वजह से केक नहीं चिपकेगा अपने बर्तन में, ठीक है। और आपको अगर चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा तेल लगा के कॉर्नफ्लावर आप इसमें अटैच कर सकते हैं, जिसमें आपका नीचे का सरफेस ना फंसे। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए एकदम सेम प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल डाल के अच्छे तरीके से मिला ली हूँ। आपको कोई सा भी तेल डाल सकते हैं, अगर आपके पास बटर है तो आप बटर भी डाल सकते हैं। घी नहीं, घी मत डालना। और मैं तेल डाली हूँ, ऑयल डाली हूँ, जिसमें अच्छे तरीके से चिपक जाए। देख लीजिए गाइस, अब ये हमारा पेपर बन गया। मैं इसमें डबल पेपर चिपका रही हूँ, डबल पेपर इस वजह से चिपका रही हूँ जिसमें अच्छे तरीके से बने, क्योंकि मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरा केक ख़राब हो जाए। ओके, तो मैं ये बना रही हूँ, आप देख सकते हैं ये मैंने एकदम अच्छे तरीके से चिपका दी हूँ। आप गाइज मुझे बर्थडे विश करिए, अगर आपको मेरा बर्थडे विश करना है ना तो आप मुझे सब्सक्राइब बटन दे दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट में बताना मेरा केक कैसे बना है। और ये मैं अपना बैटर जो भी बना हुआ है ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ एकदम अच्छे से। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई की हूँ, अगर आप भी ट्राई करोगे तो मुझे बताना गाइस कमेंट में कि आपको मेरा रेसिपी कैसा लगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चॉकलेट ली हूँ, मेरे पास चॉकलेट ये वाली अवेलेबल है, आप कोई सी भी स्टोर से ले सकते हो, जिसके वजह से इसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्रीम हो जाएगी, पकने के बाद अच्छा लगेगा। अब ये मैंने 4-5 पीस ऐसा डाल दी हूँ, आप कोई सी भी चॉकलेट अवेलेबल होगी आपके पास तो आप वो डाल सकते हैं, चाहे तो आप डेयरी मिल्क भी डाल सकते हैं और उसके अंदर, लेकिन आपको पुल कर देना जिसके वजह से वो उसके अंदर क्रीम हो जाए। तो मैं ये चम्मच से इसको इसके अंदर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ना गाइस, तो आप भी ऐसा करिए। तो यहाँ पे मैंने एक अपना जो टॉप है वो चढ़ा दी हूँ बड़ा सा, और उसके अंदर मैंने 6-4 चम्मच नमक डाल दी हूँ। नमक इस वजह से डाली हूँ जिसमें ये गरम हो जाए, इसके अंदर हम लोग पकाएंगे। ओके, तो मेरा नमक गरम हो चुका है, और मैं इसके अंदर जो कटोरी है वो रख रही हूँ, जिसमें मेरा सरफेस नीचे ना लगे, और ये मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, और ये मेरा ऐसा रहेगा। और ये मैं कम से कम 45 मिनट्स तक मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। और अभी
इसके अंदर मैंने पेपर लगा दी जिसमें इसकी जो भाप है, अगर आपका भगोना जो टेढ़ा मेढ़ा है वो ना हो, और देख लीजिए मेरा केक एकदम रेडी हो गया। मैं ये चाकू डाल के देख रही हूँ, अगर इसके अंदर चिपकेगा तो मतलब मेरा केक तैयार नहीं हुआ, लेकिन मेरा केक तैयार हो गया क्योंकि वो चिपक रहा नहीं है। आपको एक छोटा सा पैन रखना है, उसके अंदर पानी डाल दीजिए, और अगर आपके पास दूध है तो आप दूध डाल दीजिए, और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ शक्कर, जिसके वजह से उसका जो चाशनी रहेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और जैसे चाशनी होता है सिंपल तरीके से बनाना, क्योंकि मेरे पास अभी चॉकलेट अवेलेबल नहीं है, और मेरे पास अभी थोड़ी सी डेयरी मिल्क है, तो मैं वो डेयरी मिल्क डाल रही हूँ उसके अंदर, 4 पीस डाल दी हूँ, जिसकी वजह से वो उसके अंदर पूरा चॉकलेटी कलर हो जाएगा। अब ये मिक्स हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा ये है तैयार हो गया। मैं अपने केक के ऊपर सजा रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट है तो मुझे पता नहीं है कैसे बनाते, क्या टेस्ट होगा इसका, लेकिन आप ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे ऐसी बना दी हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, तो मैं सोची कि अपने हाथ से बनाती हूँ और शायद आपको पसंद आए। तो देख लीजिए गाइस, फटाफट कर देना है, और आपको तुरंत गरम गरम में डालना है, जिसमें ये अच्छे तरीके से मतलब इसके ऊपर चिपक जाए, और गीला रहेगा तो पूरा केक पे लग जाएगा। ओके, तो मेरा केक वेक जो भी है रेडी हो गया, और आपके पास जो भी चॉकलेट फ्रूट का जो छोटे छोटे पीस होता है, आपको जो भी चाहिए वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी चॉकलेट्स है, और जो जैम्स है, 5 रुपये का जैम्स आएगा, 20 रुपये की चॉकलेट, और 10 रुपये का चॉकलेट सीरम, और उसका मतलब हो गया 35 रुपये। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चॉकलेट, मतलब 40 रुपये में आपका केक एकदम मस्त बन जाएगा, टेस्टी सा केक बन जाएगा। देख लीजिएगा, इसमें कर रही हूँ, अब मैं इसके अंदर जो मेरा जैम से वो लगा दे रही हूँ, आपको जैसा डेकोरेशन करना वैसे करना। और ये लीजिए गाइस, मेरा केक तैयार हो गया है बस, और कुछ नहीं। अगर आपको इसके ऊपर जो चॉकलेट सिरप है पहले वो लगा देना, फिर आप अपनी आइसक्रीम इसके ऊपर जो भी क्रीम वगैरह है वो डाल दीजिए, और जैसे आपको डेकोरेट करना है वैसे हो गया। और लॉकडाउन में इससे अच्छा केक हो क्या सकता है, 40-50 रुपये में अगर आपका केक बन रहा है अच्छा खासा, तो बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बनाते हैं। ये मैंने ट्राई किया है, क्योंकि मैं खाई हूँ, मेरे फ्रेंड लोगों को, मेरी मम्मी को, सबको पसंद आया, मेरे भाई बहन लोगों को सबको पसंद आया। आई होप अगर आप ट्राई करते हो तो आपको भी पसंद आएगा, और कमेंट में मुझे बताइए आपको कैसा लगा है गाइस। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच जो आपने मेरा वीडियो देखे और मेरी वीडियो पे आके मुझे बर्थडे विश किए, और थैंक यू सो मच। और मुझे और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइंस वगैरह दूंगी। सॉरी गाइस, मैं लेट हो गई थी क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने मेहंदी की डिज़ाइंस वगैरह नहीं की थी। तो थैंक यू सो मच। तो गाइस, आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरा केक रेडी हो चुका है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। सो गाइस, आप बनाइए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा। चॉकलेट केक बहुत ही टेस्टी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू एंड विश करो।